हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन चार्ज के बारे में, जिसमें हम देखेंगे प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन चार्ज कैसे डिसाइड किया जाता है और सर्कल रेट क्या होता है और मार्केट वैल्यू क्या होती है और ये दोनों के बीच में फर्क क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन चार्ज समझने से पहले आपको प्रॉपर्टी का बाइंग प्रोसेस समझना होगा। मान लीजिए कोई ए पर्सन है जो बी को प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए में सेल हुई है। तो सेल हो जाने के बाद उस प्रॉपर्टी को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके सबमिट करवाना होता है, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करने होते हैं, जो प्रॉपर्टी का 4 से 10% होता है। और ये जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, इसे दो तरीके से डिसाइड किया जाता है, या तो सर्कल रेट पे या फिर मार्केट वैल्यू पे। तो सबसे पहले हम सर्कल रेट को समझते हैं। सर्कल रेट स्टेट की तरफ से डिसाइड होने वाला एक फिक्स अमाउंट होता है, जो स्टेट तय करता है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना लेना है प्रॉपर्टी के ऊपर, जो हर 6 से साल भर के अंदर अपडेट होते रहता है। तो ये टोटली स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, जो हर बार होने वाले सर्वे के हिसाब से स्टेट डिसाइड करता है। अब हम देख लेते हैं दूसरा तरीका, यानी कि मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू होती है, जो कि सप्लाई और डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि इस केस में प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू 1 करोड़ है, उस 1 करोड़ का 4 से 10% आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करना हो। तो ये दो तरीके होते हैं जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्ज डिसाइड होता है। तो अगर मान लीजिए मार्केट वैल्यू सर्कल रेट से ज्यादा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज मार्केट वैल्यू पे देना होगा। और अगर सर्कल रेट ज्यादा है मार्केट वैल्यू से, तो आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज सर्कल रेट के ऊपर पे करना होगा। मार्केट वैल्यू और सर्कल रेट को और अच्छे से समझने के लिए, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है जिसकी मार्केट वैल्यू 1.5 करोड़ है और सर्कल रेट 1 करोड़ है, तो इसके अंदर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज मार्केट वैल्यू पे दिया जाएगा। तो ऐसे केस में बायर और सेलर क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का एक्चुअल अमाउंट कम कर देते हैं। यानी कि अगर उन्होंने प्रॉपर्टी 1 करोड़ में साइन किए, तो 50 लाख बताएंगे और जो 50 लाख होगा वो उनका कैश में पेमेंट कर लेंगे, यानी कि वो 50 लाख उनका ब्लैक मनी हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए सरकार क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा सर्कल रेट के ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करती है। और मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि रियल एस्टेट डाउन चला जाता है, तो उस केस में सर्कल रेट ज्यादा हो जाता है और मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज सर्कल रेट के ऊपर पे करना होता है। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी का सर्कल रेट 1 करोड़ है और मार्केट वैल्यू 70 लाख है, तो उस केस में आपको 1 करोड़ के हिसाब से 5% यानी कि 5 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करने होंगे। तो ऐसे केस में बायर और सेलर को ज्यादा रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करना होता है। तो इस केस में वो अपील कर सकते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके कि आप इस प्रॉपर्टी का सर्वे कराइए, इसकी मार्केट वैल्यू कम है और रजिस्ट्रेशन चार्ज हमें ज्यादा पे करना हो रहा है। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन चार्ज कैलकुलेट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगी और आप समझ चुके होंगे कि रजिस्ट्रेशन चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सर्कल रेट क्या होता है और मार्केट वैल्यू क्या होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।